आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो किसकी करने वाले हैं, प्रोडक्ट की। किसकी प्रोडक्ट? दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट, ठीक है ना। मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि सिंपली आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो, दो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करोगे, 4 × 3 = 12, सिंपली हो जाते हैं ना मल्टीप्लाई। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज हैं और उनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे मल्टीप्लाई होती है, क्या मेथड है उसको, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज में आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, दो क्वांटिटीज की, जैसे जैसे हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, ये भी कैसी है बेटे, वेक्टर, ठीक है ना। उनकी मुझे क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। दो तरह की होती है, एक तो डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे पहले वो क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है उसको जानेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ध्यान से सुनना है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है ना, और इसमें जो है ये टायर्स हैं इसके, ठीक है ना, और इस पे फोर्स लग रही है ऐसे, ठीक है ना भाई। ये वो वाली गाड़ी है जो एक बच्चा चला रहा है, खिलौने वाली, ठीक है ना, ये वो वाला टॉय है। तो ये फोर्स कैसे लगाता है, धागे से उस पे ऐसे लगाएगा ना, ऐसे, ठीक है ना। तो ये फोर्स ऐसे धागे से खींच रहा है उस गाड़ी को, है ना। और गाड़ी कहाँ जाती है, बोलो कहाँ जाती है गाड़ी, गाड़ी ऐसे जाती है। डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है उसमें, ऐसे तो चलती है गाड़ी, है क्या नहीं, है ना। तो फोर्स जो है बेटे, यहाँ पे जो फोर्स है, तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ रहा है आगे को, है क्या नहीं। फोर्स कैसे लग रही है ऐसे, तो क्या ये सारी फोर्स रेस्पॉन्सिबल है इसको आगे चलाने के लिए, नहीं। फोर्स का कुछ पार्ट है जो किसके अलोंग लग रहा है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग लग रहा है, जिसकी वजह से इसमें क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। कहने का मतलब क्या, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये फोर्स है बेटे, है ना। तो फोर्स को आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, कितने इफेक्ट में तोड़ सकते हो फोर्स को, दो में। कैसे, फोर्स के दो पार्ट हो सकते हैं, एक ये वाला, ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा, थीटा वाला हो जाता है कोस थीटा में, समझ रहे हो, अच्छा। और ये वाला पार्ट किस में हो जाता है, साइन थीटा में। ये बात याद रहेगी, किसी भी वेक्टर को कितने हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, दो में। तो फोर्स को कितने पार्ट्स में तोड़ दिया, दो पार्ट में, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। इतनी बात समझ में आती है। तो इस फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना था, थीटा था, समझ रहे हो मेरी बात कितना था। तो क्या हो रहा है कि इस फोर्स को अगर मैं दो कंपोनेंट में तोड़ता हूं बच्चों, तो एक कंपोनेंट इसके अलोंग आएगा, दैट इज एफ कॉस थीटा, अभी बताया ना फोर्स को तोड़ा जा सकता है, एक कंपोनेंट इसका इसके अलोंग आएगा, है क्या नहीं, है ना। ये बात समझ में आती है, दो इससे तोड़ दिए इसके फोर्स के, टू कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, कॉस में और साइन में। अब मुझे ये देख के बताओ कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में, देख के बताओ, F cos theta के F sin theta, F cos theta। चलिए, जब F cos theta responsible है और आपको work का formula पता है क्या होता है बेटे, work का formula होता है force into displacement, displacement कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ को, चलो जी। तो force into displacement ये general formula है बच्चों, है कि नहीं। लेकिन force का क्या किया हमने, फोर्स का वो कंपोनेंट लिया जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आया है, कौन है ये फोर्स, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आया, एफ कॉस थीटा, है ना। तो मैं एफ की जगह क्या लिखना चाहिए बच्चों, मुझे बताओ, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, समझ रहे हो, अच्छा। तो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इक्वल्स टू क्या आया, फोर्स का वो कॉम्पोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है ना, वर्क का फॉर्मूला लगाया, है ना। तो मैंने क्या किया एक्चुअल में, मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि मैं इसको ना अब ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना है क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि वर्क इक्वल्स टू वेक्टर फोर्स, फोर्स वाला वेक्टर डॉट डी, और इस जब डॉट को हटा देते हैं तो क्या होता है, डॉट हटा के क्या आ जाता है, एफ डी कॉस थीटा, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। ये क्या हो रही है, डॉट प्रोडक्ट किस किस की, दो वेक्टर्स की, कौन कौन से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डॉट क्या है, डॉट हटाओ और क्या होता है, डॉट हटाते क्या होता है बच्चों, क्या टर्म आ जाती है साथ में, कॉस थीटा। तो क्या बन जाता है वर्क का फॉर्मूला, एफ डॉट डी, ठीक है। तो ये आपने क्या सीखी, डॉट प्रोडक्ट या फिर दूसरा नाम इसका स्केलर प्रोडक्ट। मैं और डिटेल में जाऊंगा, अभी जो चीज मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया बच्चों, है ना, मैं आपको इसका नाम बताता हूं, दूसरा क्या होता है इसका नाम, स्केलर प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आपने दो वेक्टर्स लिए हैं, कौन कौन से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और जो आंसर आया वो कैसी क्वांटिटी आई, स्केलर। कैसी क्वांटिटी आई, वर्क क्या होता है,
वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर समझते हो क्या? स्केलर का मतलब क्या? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ठीक है ना, जिसमें ये ना पता हो। जैसे मैं वर्क करता हूं, वर्क की कोई डायरेक्शन थोड़ी है कि 10 जूल मैंने इधर वर्क किया उधर वर्क किया, ऐसे तो कुछ नहीं है। 10 जूल वर्क किया, ये चीज है। किसकी डायरेक्शन होती है? फोर्स की, है कि नहीं? फोर्स, भाई इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, समझ रहे हो? चलो अब मैं और डिटेल में बताता हूं जो मैंने फॉर्मूला बनाया। मैंने एक बात यहां पे फिक्स कर दी, क्या? कि वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट वेक्टर कौन? फोर्स। सेकंड वेक्टर कौन? डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलो और डिटेल में लेके चलते हैं। कैसे होता है? देखो ऐसे होता है, मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं बच्चों, एक तो वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, है ना। अगर मेरे से अब ये कोई पूछे कि आप ये बताओ कि स्केलर प्रोडक्ट है क्या, तो मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये वेक्टर्स कौन हो सकते हैं? एक फोर्स हो सकता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, है ना, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो इनके बीच का अगर थीटा एंगल है, अगर मैं प्रोडक्ट कराऊं, क्या करूं मैं? प्रोडक्ट किस किस की? एक वेक्टर के कंपोनेंट की जो दूसरे वेक्टर के अलोंग है। कहने का मतलब क्या, ध्यान से सुनना है। अगर मैं इस ए वेक्टर को तोड़ूं, ब्रेक करूं, कितने हिस्सों में टूटेगा? ध्यान से सुनना, अभी सिखाया था ना, जैसे ये था फोर्स, कितने हिस्सों में टूटा है? एक्स में और वाई में। ऐसे ही मैंने ए को तोड़ा, इधर वाला कौन सा हो जाएगा कॉम्पोनेंट? ए कॉस थीटा, और ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ए को तोड़ा कितने में? दो कॉम्पोनेंट में। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, ऐसे ब्रेक किया। तो उनमें से एक कॉम्पोनेंट जो दूसरे वेक्टर के अलोंग आया, दूसरा वेक्टर कौन है? बी। तो इन दोनों की प्रोडक्ट ही क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट किस किस की? दो वेक्टर्स की। इस तरीके से कि एक वेक्टर का कॉम्पोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग हो, उनकी मल्टीप्लाई ही क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट। तो मेरे से अगर पूछा जाए कि ए डॉट बी बताओ क्या है, क्या पूछ लिया जाए? ए डॉट बी, तो क्या बनेगा बच्चों? ए का वो कॉम्पोनेंट जो बी के अलोंग है, कौन सा है? ए कॉस थीटा। तो क्या बनेगा बच्चों? ए कॉस थीटा और ये बी, या फिर ए बी कॉस थीटा, समझ रहे हो? इस तरीके से, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट समझ में आती है क्या है? क्या है? प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की। किस तरीके से? कि एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ा, और इस तरह से तोड़ा कि जो दूसरा कंपोनेंट है, वो जो दूसरा वेक्टर है उसके अलोंग आ जाए, तो उन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाती है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट, समझ रहे हैं? इसका एग्जांपल दिखाया ना वर्क वाले केस में। वर्क में क्या क्या किया? वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या बताया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? तो मैंने बोला बच्चों क्या कि मैंने ये फोर्स कुछ एंगल पे लग रहा था इस पे, इस गाड़ी पे, मैंने कहा फोर्स का एक कॉम्पोनेंट तोड़ दिया, दो कॉम्पोनेंट, एक एक्स में वाई में, एक दूसरे वेक्टर के अलोंग जो आया, दूसरा वेक्टर कौन है? डिस्प्लेसमेंट, इसके अलोंग कौन सा कॉम्पोनेंट आया? एफ कॉस थीटा। इन दोनों की प्रोडक्ट ही क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क क्या है? देखो आपने देखा f cos थीटा इंटू डी, तो इसको कैसे लिखा जाता है? f डॉट डी, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? f d cos थीटा, समझ पा रहे हैं अच्छे से? तो ये वर्क होता है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। अब और क्या समझना है डॉट प्रोडक्ट के बारे में? और चीजें भी हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास, जैसे मैं आपको क्लियर करता हूं इसको एग्जाम्पल से, जैसे ये एग्जाम्पल था, आपसे कहा गया वर्क निकालो, क्या बोला? वर्क फाइंड आउट करो, ठीक है ना, ये चीज बोली गई, और ये बोला बच्चों कि फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है, ठीक है, और ये बोला बच्चों कि ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है, इसकी वैल्यू दे दी बच्चों 60 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट इसमें आया इस गाड़ी में 5 मीटर का। तो अगर मेरे से वर्क निकालना हो तो वर्क का क्या फॉर्मूला है? एफ डॉट डी। वर्क क्या होती है? इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट हटा के क्या आ जाता है बच्चों? कॉस थीटा। तो क्या लिखा जाएगा? एफ डी कॉस थीटा, है कि नहीं? फोर्स बोलो कितना, कितने का फोर्स लगा रहे थे हम? 5। डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा था? 5 का, समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, एंगल कितना है दोनों के बीच में? 60। तो क्या लिखेंगे? कॉस 60, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 25। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, है कि नहीं? अच्छा, तो कितना बनेगा बेटे? 12.5 जूल। तो दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। हमने क्या की? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की स्केलर प्रोडक्ट कराई। अच्छा, एक तो तरीका ये है बच्चों, अब कोई भी वेक्टर हो
उसको कैसे लिखा जा सकता है। कोई अब मैं आपको प्रोडक्ट सिखा रहा हूं, कौन से वाली डॉट प्रोडक्ट ही सिखा रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुननी है। देखो कोई वेक्टर है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग। मैं इसको क्लियर करता हूं, पहले ध्यान से सुनना है मैं क्या बोलता हूं। किसी भी वेक्टर को जैसे मैं आपको बोलता हूं, जैसे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर ईस्ट, क्या बोला मैंने, 5 किलोमीटर ईस्ट, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है बच्चों, ये है इसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वैल्यू। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, वैल्यू। ईस्ट का मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन। तो पूरा वेक्टर क्या हुआ बच्चों, पूरा वेक्टर, जो पूरा वेक्टर बना वो किससे बनता है, वैल्यू प्लस डायरेक्शन। वेक्टर किसे बोलते हैं, जिसमें वैल्यू भी हो और डायरेक्शन भी, है ना, तो ऐसे है। तो अगर मैं इसको फिजिक्स के टर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ये पूरा एक वेक्टर हो गया, इस पूरे वेक्टर का नाम अगर मैं वेक्टर ए दे दूं तो वेक्टर ए बराबर क्या, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, क्या बोला, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। मॉड्यूलस मतलब क्या, वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू 5 किलोमीटर थी तो ये मॉड्यूलस वेक्टर ए, ठीक है। अच्छा ईस्ट है, अब ईस्ट कोई चीज नहीं है, बस ये इंडिकेशन है कि भाई इधर जा रहे हैं। ईस्ट क्या है, सिर्फ इंडिकेशन, भाई इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, कि भाई मुझे ईस्ट में जाना है, मुझे वेस्ट में जाना है, मुझे नॉर्थ में जाना है, तो इसको कैसे इंडिकेट करें, तो उसके लिए ए और इसके ऊपर यहां कैप, समझ रहे हैं बात को, ये होता है। तो वेक्टर, पूरा वेक्टर इक्वल्स टू क्या, वैल्यू, मॉड्यूलस वेक्टर, और क्या, यूनिट वेक्टर, जो ये दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में जाना है, समझ रहे हैं। अच्छा मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है, क्या बोला, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, जो ये दिखाए कि कोई चीज एक्स में जा रही है, तो उसका कोई नाम होना चाहिए, तो उसका नाम पता है क्या होता है, यूनिट वेक्टर आई। क्या नाम होता है, यूनिट वेक्टर आई, जो क्या इंडिकेट करे, जैसे मैंने बोला कोई चीज है वो 5 किलोमीटर जा रही है, कहां जा रही है, मैंने कहा ईस्ट में जा, सॉरी एक्स एक्सिस पे जा रही है, कहां जा रही है, एक्स एक्सिस पे, तो क्या बोलूंगा मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में, 5i, 5 क्या है उसकी वैल्यू और i क्या है उसकी डायरेक्शन, तो वो क्या बन गया, पूरा वेक्टर। ऐसे ही बच्चों अगर मैं y में जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, y में, तो y में क्या बोलूंगा, मैंने कहा 5, y को किससे डिनोट किया, j से, किससे किया, तो टोटल वेक्टर क्या बना, 5j। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, मैंने कहा 5 से जा रहा हूं और जेड एक्सिस में जा रहा हूं, जेड ऊपर को है इसे, तो क्या बनेगा, बोलो क्या बन जाएगा, 5, जैसे 5 गया जेड में गया तो के, तो यूनिट वेक्टर क्या क्या होते हैं, एक्स एक्सिस में क्या होता है आई, वाई एक्सिस में क्या होता है जे, जेड एक्सिस में क्या होता है बेटे के, क्लियर बात है कि नहीं। अच्छा अब मेरे से अगर जो कहा जाए कि आपको करनी है डॉट प्रोडक्ट, क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट, किस किस की करनी है, ऐसे करनी है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आपको लिख दिया आई डॉट आई, क्या करनी है, ये दो वेक्टर हैं, कौन कौन से, आई डॉट आई, दोनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं, क्या ये क्या है, यूनिट वेक्टर, कहां के, एक एक्स का दूसरा भी एक्स का, समझ रहे हो मेरी बात को, तो इनका आंसर क्या बनेगा, अभी फॉर्मूला बताया ना, क्या ए डॉट बी, क्या होता है ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, है कि नहीं, तो अगर मैं आई डॉट आई करूं बेटे तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, ए, ए की वैल्यू ये है, बी वैल्यू कैसे लिखते हैं, है ना, ये वैल्यू है ए बी, अच्छा एंगल कितना है, दोनों कहां है, आई और आई एक ही डायरेक्शन में है क्या, एक्स और एक्स में, कितना एंगल हो गया, जीरो, कितना हो गया, और आई और आई के बीच में जीरो, तो यहां पर क्या लिख दिया, जीरो, तो क्या हो गया बेटे, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1, यूनिट सिर्फ क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, तो यहां क्या लिखूंगा, 1 × 1, cos 0 क्या होता है, 1, तो कितना बना i dot i, 1, समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं मैं। सिमिलरली अगर आप डॉट प्रोडक्ट कराते हैं j डॉट j की, तो क्या बनेगी, j ये और एंगल कितना, 0, तो j कितना हो गया, 1, है ना, ये भी क्या हो गया, 1, और ये cos 0 भी क्या हो गया, 1, भाई वैल्यू होती है ना इसकी 1, 1, है ना, तो ये कितना आया बेटे, 1। सिमिलरली बच्चों अगर मैं के डॉट के निकालूं तो ये भी कितना आ जाएगा, 1, समझ रहे हैं, ठीक है ना, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के आपको क्या देता है, 1, समझ रहे हो। अच्छा अब अगर जो प्रोडक्ट हो और इस तरह से हो, देखो बेटे ध्यान से देखना है, अगर आपको दिया आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ऐसे दिया, इनकी क्या करानी है मुझे, डॉट प्रोडक्ट करानी है, i x एक्सिस का यूनिट वेक्टर, j y एक्सिस का यूनिट वेक्टर, है कि नहीं, तो a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b इक्वल्स टू
ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे अगर जो देखें आई जे कॉस थीटा, थीटा बताओ आई और जे के बीच में, आई कहां है एक्स एक्सिस पे, जे कहां है वाई एक्सिस पे, कितना एंगल हो गया 90 है ना। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा बेटे 90, और कोस 90 कितना होता है 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। मेरी बात समझ गए क्या बोला। सिमिलरली बच्चों अगर मैं बात करूं जे डॉट के की, तो बताओ जे डॉट के क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा जे डॉट के, ध्यान से देखो ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला, जे के कॉस 90 कितना आ गया है 0। जे और के, जे कहां है वाई एक्सिस में, के कहां है जेड एक्सिस में, समझ रहे हो। इसी तरीके से के डॉट आई क्या आया, ये भी कितना आ जाएगा 0। समझ में आया। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट कराते हैं किसकी, दो वेक्टर्स की जो कि यूनिट वेक्टर हैं, और अगर वे सेम वेक्टर हैं, मतलब आई आई में करा दी, जे जे में करा दी, के में, तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है हमेशा 1। और अगर वे परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर कैसे, एक आई का एक जे का, तो उनका आंसर क्या आता है 0। समझ में आ रही है बात, हमें ये चीज याद रखनी है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट कराई है यूनिट वेक्टर्स की। अब हमें क्या सीखना है बच्चों, अब हमें सीखना है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है जिसको मैं क्या बोलता हूं, कौन सी प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, ये कैसी होती है, ये कम्यूटेटिव होती है। क्या बोला, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप आई डॉट जे जैसे लिखा हुआ है, आप जे डॉट आई लिख लेंगे तो आपका आंसर अभी भी वही बनेगा जो पहले बन रहा था, है ना। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6, तो 2 3 का भी क्या 6। जैसे आप एलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर्स में भी, अगर आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर आप कैसी प्रोडक्ट कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, तो उस टाइम पे जो इनका आई डॉट जे कर लो, जे डॉट आई कर लो, ठीक है ना, जे डॉट के कर लो, के डॉट जे कर लो, दोनों ही हर केस में आंसर कैसा आएगा, कैसा आएगा, ये आंसर हमारा जो है कम्यूटेटिव आएगा, यानी कि सेम आएगा, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। समझ में आई बात। चलिए अब हम आपको एक चीज सिखाते हैं कि आपको अगर दो वेक्टर्स दिए हैं और कैसी फॉर्म में दिए हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, किसमें कार्टेशियन, कार्टेशियन क्या होता है वो देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों कार्टेशियन फॉर्म होती क्या है, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म सीखते हैं क्या होती है। जैसे आपके पास ये दो वेक्टर दिए, मान लो एक फोर्स दिया है ये एफ, इसकी वैल्यू ना देखे पता है कैसी फॉर्म में दिया, ऐसे दिया देखो 3i + 2j + 3k, एक वेक्टर है जिसको ऐसी फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना, ये समझना है, इसका मतलब समझते हैं। इस फोर्स का जो इंपैक्ट है, जो इस फोर्स का इफेक्ट है, वो कहां कहां है, x में कितना है i4, x में कितना है 3, इसका फोर्स का प्रभाव, j में कितना है यानी कि y में कितना प्रभाव है इस फोर्स का, कितना 2, और k में कितना प्रभाव है इस फोर्स का, कितना 3, के मतलब क्या है जेड एक्सिस। तो किसी फोर्स का इफेक्ट तीनों जगह है, एक्स में भी है थोड़ा सा वाई में भी है, थोड़ा सा जेड में भी है। तो ऐसी फॉर्म में अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, उसको मैं बोलता हूं कि किस फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। कैसी फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए मैं और चीज बताता हूं, ये एक वेक्टर दे दिया है ना, दूसरा वेक्टर एक और दिया, ये लो डिस्प्लेसमेंट, उसमें डिस्प्लेसमेंट आया बच्चों कहां कहां आया, मैंने कहा 2i + 2j + k, ऐसे। इसका मतलब क्या, आपको डिस्प्लेसमेंट भी किस फॉर्म में दिया, कैसी फॉर्म में दिया, कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि i का मतलब क्या, x में कितना डिस्प्लेस हुआ 2, कोई बॉडी जो है कितनी डिस्प्लेस हुई x में, वही बॉडी x में 2 हुई, सेम टाइम पे वही बॉडी y में कितनी हुई, कितनी 2 है ना, और z में कितनी हुई, यहां क्या लिखा हुआ है 1 है कि नहीं। जैसे मैं फोर्स लगाता हूं ऐसे, एक कोई बॉडी है, ये बॉडी है और ये इधर को जा रही है, तो ये कुछ x में थी है ना, कुछ किस में थी y में थी और कुछ z में थी, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आया ना, जब आप उसमें फोर्स लगाओगे तो x में भी चेंज आएगा, y में भी चेंज आएगा और z में भी आएगा, समझ रहे हो। तो मतलब किसी भी वेक्टर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, किस में, कार्टेशियन फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में दिया है, और पता क्या लगाना है, वर्क, क्या पूछा है, वर्क, इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, किस फॉर्म में दिया हुआ है दोनों वेक्टर्स,
कार्टेशियन फॉर्म में। तो कैसे करते हैं, है ना, अगर वैल्यू देते जैसे मैंने भी सिखाया था ना पिछले उसमें, क्या सिखाया था कि फोर्स की वैल्यू दे दी और किसकी वैल्यू दे दी, डिस्प्लेसमेंट की, और उनके बीच का क्या दे दिया आपको, एंगल दे दिया, सिखाया था ना, तो डायरेक्ट एफ डी कोस थीटा लगा दिया था। लेकिन अब की बार आपको एंगल नहीं दिया बच्चों, क्या नहीं दिया आपको, एंगल नहीं दिया, वैल्यू दे दी, पहले फोर्स की ये वैल्यू और दूसरे फोर्स की ये वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी आपको क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट, क्या करके दिखानी है, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि आपको वर्क निकालना है, एंगल दिया नहीं है और आपको ये वेक्टर की फॉर्म में ऐसे दिए हुए हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो कैसे करें, बहुत सिंपल है। अगर कभी ऐसी फॉर्म में आपको जो है डॉट प्रोडक्ट करनी हो तो कैसे करते हैं, लिख लेते हैं 3i 2j + 3k, लिख लिया फोर्स को, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि d की वैल्यू लिख दो 2i + 2j + k, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट करनी है, डॉट लगा दिया बीच में, इस तरीके से दिया। अब बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, अभी आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आपको याद हो, i डॉट i करोगे तो हमेशा क्या आएगा 1, j डॉट j करोगे तो क्या आएगा 1, k डॉट k करोगे बच्चों तो क्या आएगा, ये भी तो बन ही आएगा। और बच्चों अगर आप परपेंडिकुलर ले रहे थे, जैसे i डॉट j ले रहे थे तो क्या बनता था 0, j डॉट k लेते थे, परपेंडिकुलर वेक्टर है ना दोनों, यूनिट वेक्टर 0, k डॉट i लेते थे तो क्या बनता था 0, है क्या नहीं, ऐसे होता था क्या। अच्छा अब मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप जैसे छोटी छोटी क्लासेस में किया है, क्या पहले इसकी इसमें करो, देखो 3 × 2 = कितना हो जाएगा 6, और यहां i डॉट i है ना, i डॉट i क्या होता है बोलो 1, है कि नहीं, तो कितना बनेगा, देखो 3 × 2 = 6, i की i में मल्टीप्लाई होगी, कितना बन गया 1, तो कितना आया आंसर यहां 6। सिमिलरली अगर जो आप i की इसमें करोगे, देखना जरा i और यहां क्या है j, तो i डॉट j क्या होता है, i डॉट j 0, तो ये कितना बनेगा बताना जरा, इसकी जब आप इसमें करोगे तो वैसे तो 3 × 2 = 6 होता है, लेकिन i डॉट j क्या बन गया है सारा 0, तो ये कितना हो गया 0। अब इसी की इसमें भी तो करोगे आप, है कि नहीं, करोगे ना, तो इसकी ये आई है और वहां क्या है k, तो कैसे वेक्टर्स हैं दोनों, परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के, कितना एंगल बनेगा 90, और 90 बनेगा तो ये भी कितना 0। चलो जी और सीखते हैं, अब मैंने क्या किया, मैंने अब की बार इसकी इसमें कराई, ये क्या है j डॉट i, है कि नहीं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो कितना बनेगा ये 0, इसकी इसमें कराओगे तो क्या बनेगा बोलो जल्दी से बताओ, क्या बनेगा j डॉट j सेम वेक्टर हैं, क्या बनता है 1, तो क्या बनेगा देखना 2, और यहां क्या लिखा हुआ है 2, और j डॉट j क्या बन गया 1, तो 2 × 2 = 4, ठीक है ना, समझ गए ना। अच्छा फिर क्या किया, फिर इस वाले की इसमें की, तो आपने जब इसकी इसमें की तो कितना है j, और यहां क्या है k, क्या बन जाएगा j डॉट k क्या हो जाएगा 0, है ना। फिर इसके बाद बच्चों अब इसको लिया, इस वाले को इसकी इसमें करेंगे, देखो k डॉट i आ गया ना, परपेंडिकुलर आ गया ना, कितना हो जाएगा ये सारा 0। फिर आपने किसका किसमें किया, इसकी इसमें किया, k डॉट j आ गया क्या 0, फिर आपने इसी का उसमें किया बच्चों, है कि नहीं, और जब आपने इसमें किया तो k डॉट k किया, k डॉट k क्या आता है 1, तो 3 × यहां पे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो क्या बन गया यहां पे 3, तो टोटल आंसर कितना बना बच्चों 6 + 4 = 10, 10 + 3 = 13। मैंने आपको सिखाया क्या, क्या चीज यहां सीखी हमने, सीखा ये सीखा हमने कि जब आपको ऐसे प्रोडक्ट करनी हो आप सिर्फ सिंपली क्या करोगे, आई की आई में कर दोगे, बाकी सब क्या हो गया था, ये तो सारा 0 हो गया था, है कि नहीं, आई की आई में हो गई प्लस जे की किसमें हो गई जे में, और के की किसमें हो गई के में, समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, समझ में आया। सिंपली क्या करना है, आई की आई में, जे की जे में, और के की के में, खत्म, समझ रहे हो, कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से होता है। चलिए तो हमने ये चीज तो सीख ली, अब क्या सीखते हैं, कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं और मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा किस तरीके से। चलिए तो एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नोटबुक में लिखेंगे अपनी, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है, और वेक्टर की जो वैल्यू दी हुई है बेटे, लिखो अगली लाइन में, वेक्टर a इक्वल्स टू a बना के, और उसके ऊपर एक एरो बना देंगे, वो वेक्टर को दिखाता है,
वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस टू जे माइनस के, ठीक है ना। वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या दे दिया, आई प्लस टू जे माइनस के, ठीक। अच्छा, एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू, वेक्टर बी दिया हुआ है ना, लिखते हैं क्या दिया हुआ है। तो वेक्टर बी इक्वल्स टू बी लिखा और उसके ऊपर एरो बना दिया है ना, वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस में आई प्लस जे माइनस टू के, ठीक है ना। आपके पास देखिए, आपको ये क्वेश्चन क्या दिया है, आपको पता लगाना है क्या, आपको पता लगाना है एंगल किसके बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में। चलो मुझे वैल्यू बोल दो एक बार, आप मुझे क्या कह दी है, वेक्टर एफ इक्वल्स टू बोलो क्या वैल्यू दी हुई है। हाँ ए है ना, कोई बात नहीं, ए की वैल्यू बोल दीजिए क्या है, आई प्लस टू जे माइनस के। आपके पास एक वेक्टर तो ये दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है बेटा बोलो, माइनस आई प्लस जे माइनस टू के। आपके पास ये दो वेक्टर दिए हुए हैं और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच का एंगल। मतलब जैसे एक वेक्टर तो ये हो गया और एक वेक्टर क्या हो गया बेटे, ये हो गया है ना। इसका इंपैक्ट एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, इसका प्रभाव है ना। ऐसे ही बी का भी आई में भी है, जे में भी है, के में भी है। चलो हमें इनके बीच का क्या फाइंड आउट करना है बेटे, एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल, ठीक है। कैसे, आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला सीखा ना, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू बोलो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड, वैल्यू क्या है इस वेक्टर की। जैसे ये है, ये इसकी वैल्यू है क्या, नहीं। ये इसकी कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। मेरे से कहा गया इसको सिंपल बताओ, मुझे नहीं पता कार्टेशियन क्या होती है। तो सिंपल फॉर्म कैसे बनती है भाई, 5 न्यूटन 10 न्यूटन जो भी चीज है, अगर फोर्स है ये वेक्टर तो 5 न्यूटन 10 न्यूटन 15 न्यूटन कुछ वैल्यू होगी ना। तो वैल्यू का फॉर्मूला याद रखेंगे अब, कैसे मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको कोई वेक्टर बच्चों इस फॉर्म में दिया गया हो, देखो मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। एग्जांपल, एग्जांपल क्या लिया मैंने, जैसे आपको दिया एक वेक्टर है, ठीक है ना। जैसे यहां पे ही ले लूंगा एग्जांपल, तो आपको ए की वैल्यू ये दी है ना, आई प्लस टू जे माइनस के, है कि नहीं। इसका अगर वैल्यू निकालनी है तो पता है क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं मॉड्यूलस वेक्टर ए। क्या बोला इसको मैंने, मॉड्यूलस वेक्टर ए क्या होता है, अंडर रूट। ये तरीका है वैल्यू निकालने का। अगर किस फॉर्म में दिया हुआ वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म में, पहले की वैल्यू कितनी है, क्या लिखा हुआ है इसके आगे, 1, कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर प्लस, इसके आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला है। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, माइनस 1 है ना, माइनस है ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस 1 का स्क्वायर, है क्या नहीं, क्लियर ये बात। अच्छा तो यहां मैग्नीट्यूड कितना आ गया इसका, 1 + 4 + 1 कितना हो गया, √6, है कि नहीं, है ना। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं वेक्टर बी का मॉड्यूलस निकालूं, वैल्यू निकालूं, मुझे इसकी वैल्यू की पता लगानी है, तो क्या तरीका है, यही अंडर रूट की, अंडर रूट, फिर क्या बोला, माइनस 1 का स्क्वायर, है कि नहीं, दूसरे में 1 का स्क्वायर, तीसरे में बच्चों क्या है, माइनस टू का स्क्वायर, तो क्या बनेगा जल्दी से बताएंगे, 1 + 1 + 4, है कि नहीं, क्या बन गया, √6। हमें क्या पता लगाना था, ये एंगल पूछ रहे थे क्वेश्चन में, ये तो पूछा था, क्या तरीका है। चलो ए की वैल्यू रखो, क्या दी हुई है, रखो आई प्लस टू जे माइनस के, ये बात क्लियर है ना, डॉट बी बोलो क्या है, बी ये लिखा हुआ माइनस का आई प्लस कितना, जे और क्या, माइनस टू के, है कि नहीं। अच्छा इधर क्या है राइट में, ए बी कॉस थीटा, ए की वैल्यू कितनी आई थी बोलो, √6, बी की वैल्यू क्या आई थी बोल दो फटाफट से, तो ये भी √6 आई थी, है कि नहीं, और कॉस थीटा मुझे पता नहीं है, है ना। LHS में अगर मैं आऊं, किसमें, LHS में, तो आप क्या देखते हो LHS में, आप आई की आई में करोगे, आई की जे में करोगे, आई की के में करोगे, हाँ। लेकिन अब मैंने एक छोटा तरीका बता दिया, मैंने कहा इतना बड़ा नहीं करना, सिंपली क्या कर दो, आई की आई में, जे की जे में, और के की के में। चलो जब मैं आई की आई में करता हूं बेटे, तो क्या बनेगा, सिंपली आई तो हट जाएगा, यहां 1 है और यहां क्या है, -1, तो क्या बनेगा बेटे, यहां पे -1 प्लस, फिर किसकी किसमें, जे की जे में करो, तो क्या बनेगा, यहां 2 है, यहां क्या है, 1, तो क्या बन जाएगा, 1 2 जा 2,
है कि नहीं, समझ रहे हैं? अच्छा, यहां क्या है माइनस वन, यहां क्या है माइनस टू, तो क्या बनेगा बेटे, माइनस वन इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा प्लस टू, तो ये आ गया, है कि नहीं? तो कितना हो गया, फोर माइनस वन कितना थ्री। रूट सिक्स की जब आप रूट सिक्स में करते हो तो सिक्स आता है, और यहां क्या कॉस थीटा, तो अगर मेरे से कॉस थीटा निकाला जाए, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगी, बताओ जल्दी से, कॉस थीटा इक्वल्स टू थ्री बाई सिक्स, थ्री बाई सिक्स मतलब वन बाई टू। कब होती है कॉस थीटा की वैल्यू वन बाई टू, किस वैल्यू पे होती है, कॉस सिक्सटी, तो क्या मैं इसको कॉस सिक्सटी लिख लूं, तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया बेटे 60 डिग्री, बस ये चीज सीखनी थी हमें, समझ में आया कैसे किया, तो हमें ये बात याद रखनी है। जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो और कार्टेशियन फॉर्म में हो और एंगल पूछ लिया जाए तो कैसे करना है, ये फॉर्मूला है a डॉट b इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लगाया तुरंत आंसर आया, समझ में आई बात कैसे करते हैं, ये तरीका है, ठीक है। और देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसी के तरीके का, उससे लिखेंगे, ठीक है ना, चलिए नोटबुक में क्वेश्चन लिखेंगे। प्रूव दैट द फैक्टर्स वेक्टर ए, कौन सा वेक्टर ए, ए के ऊपर आप वेक्टर का साइन लगा देंगे, साइन लगाएंगे आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, क्या बोला आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ठीक बात, चलो जी लिखिए बात, चलो आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, चलो वेक्टर बी की वैल्यू लिखेंगे, वेक्टर बी टू आई माइनस जे, टू आई माइनस जे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, लिख लिया ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहे हैं, इसको मैं रब कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या बताता हूं, किस तरीके से करना है। चलो बेटा देखो, आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनकी वैल्यू दी हुई है, एक बच्चा मुझे वैल्यू बता देगा, क्या दी हुई है वैल्यू वेक्टर ए की, वेक्टर आई, हाँ आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, फर्स्ट वेक्टर की तो ये वैल्यू दे दी बेटा, दूसरे वेक्टर की क्या वैल्यू दे दी, वेक्टर बी की वैल्यू बोल दो क्या दी है, टू आई माइनस जे, और कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो मैं इसके साथ जीरो के लिख लूं क्या, है ना, के भी तो आना चाहिए, के है नहीं इसमें, तो क्या लिख लिया मैंने जीरो के। हमें ये प्रूफ करना है कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ये दो वेक्टर। चलो पहले एक फॉर्मूला बताओ मुझे, डॉट प्रोडक्ट में सीखा है ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, है कि नहीं। अगर ये बेटा दोनों वैक्टर परपेंडिकुलर हैं तो यहां क्या रखा जा सकता है, अगर हैं यहां तो प्रूव करना है, लेकिन अगर है तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू क्या रख दूंगा मैं 90, अगर मैं यहाँ 90 रख दूंगा तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है ना, तो ये सारी वैल्यू जीरो हो गई। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या आया जीरो। तो अगर मुझे कभी ये बोला जाए कि आपको ये बताना है कि दो वैक्टर्स क्या हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी कितना आ जाना चाहिए जीरो। चलिए देखते हैं कि ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो आती है क्या, जीरो आ गई तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर। चलो जी, तो हमने क्या लिखा आई प्लस टू जे माइनस सॉरी प्लस थ्री के, है क्या नहीं, डॉट बी क्या लिखा मैंने टू आई, है ना, यहां पे क्या लिखा माइनस जे प्लस जीरो के, लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है ना। चलिए फिर वही चीज मैंने बताया, ऐसे जब भी हो कार्टेशियन फॉर्म में हो तो आई के आई में, जे की जे में, के की के में, आई की आई में करेंगे तो क्या बनेगा टू, यहां वन यहां टू, प्लस टू की इसमें करेंगे तो क्या बनेगा माइनस टू, है ना, टू इंटू माइनस वन, है कि नहीं। अच्छा थ्री की किसमें करेंगे जीरो में, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, तो कितना आया टू माइनस टू, बोलो कितना आया, इट मीन्स क्या कि a डॉट b इक्वल्स टू जीरो आया, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं क्या कि a परपेंडिकुलर है किसके b के, समझ में आया। इस तरीके से हमने दो वेक्टर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। एक चीज और सीख लेते हैं, कभी भी दो वेक्टर्स की आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और दोनों वेक्टर सेम है, जैसे अगर आपके पास बोला जाए कि पहला वेक्टर a है, आपने मल्टीप्लाई कर दी a की a में, समझ रहे हो, दोनों ही वेक्टर सेम है, ठीक है ना, दोनों ही वेक्टर कैसे हैं सेम, तो क्या करना है, ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला है, पहले का मैग्नीट्यूड
दूसरे का मैग्नीट्यूड और एंगल बताओ, दोनों वेक्टर सेम है ना, तो एंगल कितना, एक ही डायरेक्शन में होंगे दोनों, जीरो। बस ये कितना हो जाएगा बेटे, cos 0 1, तो इसका आंसर आ जाएगा मॉड्यूलस a स्क्वायर। बस आपको ये चीज सीखनी है, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का बेसिक फाउंडेशन तैयार हो गया।